देते बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, खाई है ठोकर जमाने से हमने, खाई है ठोकर जमाने से हमने, घायल हुआ था यह मन मेरा, घायल हुआ था यह मन मेरा, अगर खाओ भरने की दवाई न देते, अगर खाओ भरने की दवाई न देते, अगर खाओ भरने की दवाई न देते, अगर खाओ भरने की दवाई न देते बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, अगर मेरे भगवान सहारा न देते, अगर मेरे भगवान सहारा न देते बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, बता दो तुम्हें क्या हाल होता, जब जब तुम्हें हंसाया, अगर प्रेम आंचल तुम्हारा न मिलता, अगर प्रेम आंचल तुम्हारा न मिलता, अगर प्रेम आंचल तुम्हारा न मिलता, अगर प्रेम तुम्हारा न मिलता बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, अगर इस जहां भला तुम न मिलते, अगर मेरे भगवान सहारा न देते, अगर मेरे भगवान सहारा न देते बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता, बता दो अंधेरा मिटा कर मेरे इस मन का, अंधेरा मिटा कर हाथ जोड़ते हुए इस मन का, उजल से ज्ञान ज्योति जगा दी जो तुमने, उजल से ज्ञान ज्योति जगा दी जो तुमने,
यह ज्ञान ज्योति अगर तुम ना देते, यह ज्ञान ज्योति अगर तुम ना जगाते, यह ज्ञान ज्योति अगर तुम ना जगाते, यह ज्ञान ज्योति अगर तुम ना जगाते, बता दो तुम्ही मेरा क्या हाल होता, बता दो तुम्ही मेरा क्या हाल होता, अगर इस जहाँ में भला तुम न मिलते, अगर इस जहाँ में भला तुम न मिलते, अगर मेरे भगवान सहारा न देते, अगर मेरे भगवान सहारा न देते, ज्ञान दान न करते, अगर मेरे भगवान ज्ञान ना देते, अगर मेरे भगवान ज्ञान ना देते, बता दो तुम्ही मेरा क्या हाल होता, बता दो तुम्ही मेरा क्या हाल होता, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े की तरह जीवन जाता और क्या हाल होता। सभी लोग अपने मन में केवल अपने साक्षी भाव का विचार रखें। मेरे गुरुदेव ने, मेरे प्रभु ने मेरे देह भाव को मिटाकर आत्म भाव जागृत कर दिया, जिसकी वजह से मैं जीवन मुक्ति को प्राप्त हो गया। अगर ये ज्ञान ज्योति मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव जागृत न करते तो मेरी क्या दशा होती, कल्पना नहीं की जा सकती। कोई जीव हत्या में लगा है तो कोई अपना बेटा बेटी पोता पोती में फंसा है, तो कोई जुआड़ी शराबी के साथ लगा है, तो कोई और प्रकार के नीच कर्म में। मनुष्य तो वो भी हैं, देखने में मनुष्य वो भी हैं, लेकिन क्या उनका जीवन सराहनीय है, वंदनीय है? क्या वे कल्याण को प्राप्त हो सकेंगे? कदापि नहीं। कुत्ते की मौत तड़प तड़प कर प्राण छोड़ेंगे। बहुत बहुत जन्मों के इसी कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सांप चूहा बिल्ली का जीवन भोगते हुए, कष्ट सहते हुए, और यह 84 लाख योनियों के बाद देव दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है। सुबह उठते ही, रात को सोते ही मन से पूछो कि क्या मैंने यह देव दुर्लभ जीवन सार्थक कर लिया? क्या मैं भगवान के आगे जाकर मुंह दिखा सकूंगा कि जिस काम के लिए प्रभु आपने मुझे ये जीवन दिया था उस काम को मैंने कर डाला, कृत कृत्य हो गया, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं? तो परमात्मा को अपार खुशी होगी कि मेरे पुत्र ने मेरी आज्ञा का पालन करके और अपना कल्याण कर लिया। जैसे वरुण पिता की आज्ञा पालन करके
रिभु पुत्र ने अपना जीवन धन्य कर लिया। पिता भी धन्य धन्य हो गया, पुत्र भी धन्य धन्य हो गया। तो सुबह उठते ही रोज पूछो, कल जो बीत गया उसमें मैंने अपना कल्याण का कार्य नहीं किया, आज सुबह मैं उठ रहा हूँ ईश्वर की कृपा से, दया से, आज तो मुझे वो काम करना ही है। आज का दिन खाली नहीं जाने दूंगा, जो गया जो गया, जो बीत गया बीत गया, अब उसमें पछताने से कुछ लाभ नहीं, वो लौट के नहीं आएगा। पर अभी जो मेरे हाथ में है, जो मेरे वश में है, जिसमें कि मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो कि कितना समय बीत गया। अरे एक घड़ी भी बची है तब भी कल्याण हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हजारों वर्षों का अंधकार एक क्षण में प्रकाश करते ही विलीन हो जाता है। तो अनंत जन्मों का जो पाप है, अंधेरा है, गुरु ज्ञान ज्योति के द्वारा विलीन हो जाता है। कितना पाप किया उसकी चिंता मत करो, ज्ञान ज्योति के आगे पाप का चिन्ह भी नहीं रहता है। प्रकाश के आगे घोर अंधकार फिर देखने को नहीं मिलता है। कितनी दया है परमात्मा की, कितनी अपूर्व कृपा है। हॉस्पिटल में जाकर देखो तो तुम्हें परमात्मा की दया और कृपा का अनुभव होगा। अभी तो तुम सोचते हो परमात्मा ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, किंतु देखो हॉस्पिटल में जाकर लोगों को बेड नहीं दिया है, नीचे फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की नाक में भी नली पाइप लगाया हुआ है, तो किसी के मूत्र द्वार में भी पाइप लगाया हुआ है, किसी के मल द्वार में भी पाइप लगाया हुआ है, पेट में भी वो पाइप में खाना दे रहे हैं, पेट के अंदर मुख का रास्ता बंद। देखो देखो कैसे कैसे जीव कैसे कैसे कष्ट पा रहे हैं, किसी की दोनों टांगे ऊपर लटका रखी है, ब्लड जा रहा है, सलाइन लग रही है। क्या कम कृपा है, कैसी कैसी अनोखी अमूल्य अद्भुत चीजें मुफ्त में दे दी, ये किडनी, ये लीवर, ये हार्ट, ये आँखें, ये कान, क्या क्या कहा जाए परमात्मा की महिमा कही नहीं जा सकती। तो अपनी नीचता को छोड़ें, अपनी अधमता को छोड़ें, जो प्रॉमिस जो वायदा जो वचन गर्भ से करके आए हैं कि बस मैं तुम्हें ही याद करूंगी, तुम्हें ही याद करूंगा, और इन झूठे नाते रिश्ते के पीछे ये देव दुर्लभ जीवन नष्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, उस गर्भ के दिए वचन को पूरा करने में अपने जीवन लगा दो, जो बचा जीवन तन मन धन उसी में लगा दो। अब इस झूठे संसार में उस तन मन धन को मत लगाओ। तुम जिस संसार के लिए सत्संग का त्याग करते हो कि अभी तो मुझे ये जरूरी है, मुझे तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, पर तुम्हारा प्राण कब निकल जाएगा और तुम्हारे जरूरी काम फिर कैसे होंगे, कौन पूरा करेगा? ये संसार के काम के लिए तुम्हें नहीं भेजा है परमात्मा ने,
संसार के काम तो और जो मुर्दे हैं वो कर लेंगे, तुमको इस अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना है, और बाकी जो मुर्दे हैं तुम्हारे जाति बंधु वाले, जो आत्मज्ञान में नहीं आए वो सब मुर्दे हैं, तो वे मुर्दे मुर्दों का काम संसार का कर लेंगे, तुम अपना ये अमृत जीवन उन मुर्दों के लिए नष्ट नहीं करना चाहिए। पर जिन्होंने आत्मज्ञान का महत्व नहीं सुना नहीं समझा, वे यहाँ बैठकर भी मुर्दे ही हैं, उन्हें जीवित मत समझो, उनको अपना जाति बंधु मत समझो, वो जीवित ही मुर्दे हैं जो यहाँ बैठे हैं और फिर भी सत्संग का त्याग हो रहा है, सत्संग में अनुराग नहीं जग रहा है, अनुराग संसार खींच रहा है, अनुराग उनका संसार की तरफ खींच रहा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, कोटि कोटि जन्मों का भी पाप क्यों न हो, दुष्कर्म क्यों न हो, जो किसी साधन से क्षमा नहीं किया जाता है, पर सद्गुरु और सत्संग का एक क्षण भी मिल गया तो अनंत जन्मों का पाप भस्मीभूत हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, फिर आधी में भी और आधी, 24 मिनट का घड़ी है तो एक घड़ी नहीं कर पाते हो तो 12 मिनट का करो आधी घड़ी, उससे भी आधा 5 मिनट 6 मिनट का कर लो। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, कोटि कोटि जन्मों का पाप अपराध क्षम्य हो जाता है। इसलिए कभी भी साधु का संग गुरु का संग सत का संग का त्याग मत करो। अमूल्य निधि को कांच के टुकड़ों को बटोरने में मत लगाओ, ये हीरा है, ये दुर्लभ हीरा है आत्मज्ञान। ये संसार की चीजें संसार के रिश्ते कांच के टुकड़े हैं, इनके पीछे इस बहुमूल्य सत्संग रूपी हीरे के खजाने को मत ठुकराओ। बहुत ठोकरें खाई है, बहुत दुख पाया है, पर भूल गए हो, भूल गए हो। आंखें तो है, बुद्धि तो है, कुत्ते को देख लो, सुअर को देख लो, आंखें भी है बुद्धि भी है, कैसा उनका जीवन, इस सांप का चूहे का जीवन तो देखो, इस चिड़िया कौवे का तो जीवन देखो, क्या तुमने ये नहीं भोगा है, क्या तुम इन योनियों से होकर नहीं आए हो, कितने बेशरम हैं, कितने निर्लज्ज हैं, कितने पापी हैं, जो परमात्मा के तरफ मन का खिंचाव न होकर इस अनित्य दुख रूप संसार की ओर मन खिंच रहा है। कैसा जा रहा है इन पशुओं का जीवन, कौन तो रोटी दे रहा है कुत्ते को, कौन पानी दे रहा है, कौन सर्दी गर्मी वर्षा में उनकी रक्षा कर रहा है, कैसे भरी बरसात में नंगे बदन खुले मैदान में, सर्दी में खुले मैदान में, गर्मी में भी, ओहो कैसा जीवन उनका, कैसा कष्टप्रद जीवन। हम रजाई कम्बल ओढ़ लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, सर्दी है और कुत्ता बाहर रोड पर रात गुजारता है, ये पशु कौन उनको कम्बल उड़ाएगा, कौन उनको आश्रित रखेगा।
ना आश्रय देगा। कम से कम इनके जीवन को देखो, क्या परमात्मा ने इनको ऐसा दुख दिया है और परमात्मा ने क्या तुमको ऐसा सुख दिया है? ये दुख को विचारो, इन पशुओं के दुख को। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, सुख नहीं देता, अवसर देता है, मौका देता है। कब हुक करी करुणा नर दे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अपने पे दया करो, इन पशुओं को देखकर इन पे भी दया करो और इनको देखकर अपने पे दया करो कि फिर हमको नहीं वापस जाना पड़े, फिर हमको इन योनि में ना लौटना पड़े। और यदि संसार में मन फंसाया और प्राण निकल गए तो ये योनियां हमारे लिए तैयार है जिन्हें छोड़ कर आए हैं। ये पुराने क्वार्टर, पुराने मकान, पुराना झोपड़ा ये तैयार है, हमें जाना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा जो हम छोड़ कर आए। बैठे रहो, बैठे रहो, कोई जरूरी नहीं है। विचारो, विचारो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसलिए देवी संपदा का अर्जन करो, आसुरी संपदा का विसर्जन करो, त्याग करो। देवी सर्जन सत्संग है, सद्गुण है, सत्कर्म है, सद्भावना है, सत्शास्त्र है, इनमें ही बस जीवन जाए। सत्संग के अंदर कितना बल है और कितना उसका महत्व है, इसे ध्यान से सुने, आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं। कबीर दास जी सुबह उठते नित्य कर्म करके, प्रातः भ्रमण करके लौटते हैं तो उनके साथ साथ गांव के लोग भी चलते हैं, नाम कीर्तन करते हुए। कबीर दास अकेले जाते हैं, भीड़ उनके साथ लौटते समय हो जाती है, सत्संग चल जाता है, चलता है। लोग 10 बजे के करीब उठने लगते हैं, अपने काम धंधे की तरफ जाने लगते हैं। कबीर को भी जाना है अपने व्यवसाय के लिए, तो जाते जाते कबीर कहते हैं उन लोगों को जो उठ के जा रहे हैं सत्संग के बाद, अरे बैठो बैठो, खाकर जाओ, भूखे मत जाओ, खाकर जाओ। कबीर दास की पत्नी अब भोजन अंदर बनाती है और कमाल उनको परोस रहा है, जो भी सत्संगी आते हैं सबको बिठा कर खिला कर विदा करते हैं, खा कर जाओ, खा कर जाओ, भूखे नहीं जाओ घर से। ये रोज का धंधा, कभी 50, कभी 100, कभी 200 चले आते हैं। और अंदर जो स्त्री है वो भोजन बनाए तो बनाए काहे से, आटा नहीं, सब्जी नहीं। तो पास में एक दुकानदार, उससे उधार लेकर आती है,
और काम चलाती है। एक दिन ऐसे ही 200 व्यक्ति पूर्णिमा के नाम इकट्ठे हो गए कि आज तो गुरु पूर्णिमा है। और अब कबीर दास की पत्नी, और वो परेशान है कि मैं क्या करूं, कैसे खुलाऊं, जिस दुकान से उधार लाती हूं उस दुकानदार ने कहा और अब मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, मेरा तो दिवाला निकल रहा है, तुम्हारे को उधार दे देकर रोज 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 ले जाती हूँ, पैसे का कोई नाम नहीं। और आज गुरु पूर्णिमा 200-250 लोग बैठे हैं, कबीर ने रोका खा कर जाना। अब कबीर दास को अंदर का क्या पता किचन में क्या है। बहुत परेशान पत्नी दुकानदार के पास गई कि मुझे इतना और आटा दाल दे दूँ। बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, मेरा पहला कर्जा चुकाओ। बोले देखो मेरे को आज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बोले मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो मैं आज तो लेकर जाऊंगी। दुकानदार ने समय का लाभ उठाया। बड़ी सुंदर स्त्री थी कबीरदास की, तो कबीरदास की पत्नी कहती कि आज मैं लेकर जाऊंगी, तुम्हें जो करना है करो, पर इतना तो देना ही पड़ेगा। तो उस बेशरम दुकानदार ने, निर्लज्ज बेश दुकानदार ने कहा, अगर तुम आज की रात मेरे पास रहोगी सोओगी तो मैं तुमको ये सामान दे सकता हूँ। बोले ठीक है, तुम सामान दे दो मैं आज रात को। बोले बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। बोले बिल्कुल मैं सत्य कहती हूँ, आज तुम्हारे पास आकर रह जाऊंगी। भोजन सब बनाया, सबको खिला दिया। कबीरदास भी अपने जो बिक्री करने के कपड़ा है ले जाते हैं। संध्या को कबीरदास लौट कर आते हैं। कबीरदास की पत्नी सज रही है, कपड़े पहन रही है, क्योंकि व्यापारी को बोला था कि आज की रात में तुम्हारे को दूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी सोऊंगी। कबीरदास ने देखा कि आज ये क्या बात है, इस समय क्यों कपड़े पहन रही हो। पूछा तो कहा कि तुम्हें मालूम नहीं मैं किस प्रकार से यह भक्तों को भोजन कराती हूँ। पास में दुकानदार है, उधार लेकर आती हूँ, और उधार देते 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 अब उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, मेरा पहला कर्ज चुकाओ। तो मैंने कहा कि मैं तो आज इतना लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा पे भगत लोग बैठे हैं। और कबीरदास ने आग्रह किया कि खा कर जाओ। तो क्या हुआ, तो दुकानदार ने मेरे को इस शर्त पर उधार दिया कि आज की रात तुम मुझे दोगी, मेरे पास सोओगी रहोगी। अच्छा तो ठीक है, चलो मैं तुमको छोड़ आता हूँ, क्योंकि पानी गिर रहा है, भीग जाओगी तुम्हारे कपड़े। कबीरदास अपनी पत्नी को छाते के नीचे करके और खुद भीगते हुए उस दुकानदार के वहाँ पर पहुँचे। कबीरदास एक तरफ रह गए और पत्नी को उधर जाने दिया। वो दुकानदार दरवाजा खटखटाया, उसको तो था कि ये नहीं आएगी, ऐसा संभव नहीं, पर दरवाजे पे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया और कपड़े सूखे। तो कहा तुम कैसे आई, कपड़े तुम्हारे सूखे और वर्षा हो रही है। बोली मेरे पति देव आए हैं मुझे छोड़ने के लिए। क्या कबीर जी आए हैं छोड़ने के लिए, कहाँ हैं। वो बाहर बैठे हैं कि तुम अपना काम कर लो, फिर बाहर आ जाना, मैं तुमको घर ले जाऊंगा। और वो दुकानदार कबीरदास जी के चरणों में जाकर गिर गया कि मेरे अपराध को क्षमा करो। कबीरदास ने कहा अरे यही बात थी तो पहले से क्यों नहीं बता दिया, मैं तो रोज 200-250-300 आदमियों को
बुलाकर खाना खिलाता रोज, ये आनंद मिलता है। तुम भी पहने बता देते, मैं तुम्हारे पास ही छोड़ देता, रोज यही तुम्हारे पास ही आती। ये है सत्संग की महिमा, ये है परमात्मा में अर्पणता। तो सत्संग का मूल्य क्या है, ये तो वही समझ सकता है जिसने अपने को समर्पित किया है। सभी प्रार्थना करेंगे, और जिसके प्रति प्रार्थना होती है उसको पहले सम्मुख खड़ा होना चाहिए। मातृदेव भव कह दिया तो माँ सामने आना ही चाहिए, तभी मातृदेव भव कहना सार्थक है। पितृदेव भव कहते हो तो पिता सामने आना ही चाहिए, नहीं तो वाणी फिजूल हो जाएगी, झूठापन हो जाएगा। पिता सामने नहीं और नमस्कार, माँ सामने नहीं नमस्कार, ना मन से उनको सामने लाना है। तो जब भी जो प्रार्थना करते हो मानसिक रूप से सामने होंगे, तभी तुम्हारी प्रार्थना वहाँ पर स्पर्श करेगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरोर अधिकं तत्त्वं न गुरुरोर अधिकं तपः तत्वज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति गुरु की मूर्ति ध्यान में आना ही चाहिए, तभी ये प्रार्थना होगी, नहीं तो ये प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वम् न गुरुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति 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 शांति। अब गुरुदेव से परमात्मा से फिर प्रॉमिस करे, फिर वचनबद्ध हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
ये सच में है कि झूठ में है, अपने मन से पूछना कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ ये सचमुच की है या केवल दिखावटी है। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, फिर मन से पूछो कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, दिखावा है, वास्तविकता व्यवहार में दिख रही है, सत्संग में नहीं दिखती। तुमेव सर्वं मम देव देव, 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 मातृ देव भव, अपनी माता श्री का विचार करें, रूप को मन में लाकर फिर ये बोलें, मातृ देव भव, पितृ देव भव, उन्हीं पिता माता के सहयोग से कृपा से आज हम इस योग्य यहाँ बैठे हैं, तो उन्हें धन्यवाद हृदय से देना है। आचार्य देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव, सर्वं देव भव, सर्वं देव भव, ओम शांति 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 ही, ओम शांति शांति शांति। सब आहिस्ता से अपने मंगल नेत्रों को खोलें और श्रोताओं के रूप में विराजित सभी पुण्य आत्माओं के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार करें। बोलो सतगुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।